अभी तक की सीरीज के अंदर हमने एक बहुत ही बेसिक सा अपना सेटअप तैयार कर लिया, एक लाइब्रेरी के फॉर्म में हमने प्रोजेक्ट को सेटअप किया है जिसको हम फ्यूचर में रीयूज भी कर सके। इस प्रोजेक्ट में अभी तक हमने देखा कि एक ग्राउंड कैसे ऐड किया जाए, लाइट्स किस तरीके से ऐड की जाए और उन लाइट्स के लिए कुछ कंट्रोल्स किस तरह से ऐड किए जाए। ठीक है, हम यहाँ पे लाइट की पोजीशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और लाइट की इंटेंसिटी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 3GS की जो बेसिक सीरीज थी हमारी, उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ प्रिमिटिव शेप्स होती हैं, उन्हें कैसे बनाया जाए। उसके बाद हमने देखा कि कस्टम शेप्स को कैसे बनाया जाए बफर ज्योमेट्री का यूज़ करके। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि जो मॉडल्स होते हैं 3D मॉडल्स, उनको कैसे लोड किया जाए। जैसे आप देखते हो एक कार का मॉडल है, या एक प्लेयर का मॉडल है, किसी एनिमी का मॉडल है, किसी ट्री का मॉडल है, या किसी बिल्डिंग का मॉडल है। ठीक है, तो इन सबको कैसे अपने सीन के अंदर लोड किया जाए। ठीक है, तो लोड करने से पहले बात आती है कि ये मॉडल बनते कैसे, आते कहाँ से हैं। तो इनको बनाने के लिए हमारे पास कुछ 3D मॉडलिंग टूल्स हैं, कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। उनमें से एक टूल है हमारे पास ब्लेंडर। ब्लेंडर को आप फ्रीली यूज़ कर सकती हो, बिल्कुल फ्री टूल है ये, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना किसी को। जब आप एक नया इसमें ओपन करोगे ब्लेंडर को, आपको एक ये डिफ़ॉल्ट सा इंटरफेस इसका मिलता है। इसके अंदर आपको एक क्यूब मिल रहा है। अभी आप चाहो तो और भी ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो, इस क्यूब को भी थोड़ा एडिट कर सकते हो। ठीक है, मैं ब्लेंडर के ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे सच पर्सनली कहूँ तो मैं खुद भी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। ठीक है, इसको यूज़ करने का काम 3D आर्टिस्ट का होता है। एज अ प्रोग्रामर मेरा काम होता है कि जो भी मॉडल्स यहाँ जनरेट हुए हैं उनको यूज़ किया जाए। जनरली मैं यहाँ पे आता हूँ जब मॉडल्स के अंदर मुझे कुछ माइनर ट्वीक्स करने होते हैं, थोड़े बहुत एडिटिंग करनी होती है, कुछ उसकी मुझे चीज़ें सही नहीं लग रही अपने सीन के अकॉर्डिंग, तो मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग यहाँ करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं ब्लेंडर का यूज़ नहीं करता। ठीक, अब ब्लेंडर के अंदर हमने सीन तो क्रिएट कर लिया, लेकिन उसको सेव भी करना होगा कहीं पर, तभी तो हम लोड करेंगे अपने 3GS के अंदर, है ना। तो सेव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। यहाँ पे आप फाइल एक्सपोर्ट करोगे और फिर अपने 3GS के सीन के अंदर इंपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास देखो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं रिकमेंड करूँ कि कौन सा यूज़ करना चाहिए, ठीक है, जनरल केसेस में, बाकी स्पेसिफिक केसेस भी हो सकते हैं कि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग भी हो सकती है, लेकिन जनरली ज़्यादातर केसेज में हमारे पास GLTF, GLB ये जो फॉर्मेट है ये आपका ज़्यादातर केसेज में चल जाएगा, बिकॉज इसके अंदर जनरली सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपको मिल जाएंगी। अगर आप ये फॉर्मेट यूज़ करते हो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कभी, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि 3GS के अंदर इनको कैसे इंक्लूड करना है, वो भी आ जाते हैं। 3GS, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, तो 3GS उन सबको लोड करने का हमें ऑप्शन देता है। अगर कोई फॉर्मेट ऐसा भी है जिसके लिए आपको 3GS के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आपको थर्ड पार्टी सोल्यूशंस मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी कभी दिक्कत आ रही है तो आप एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। मान के चलो कोई आपके पास ऐसी फाइल आ गई जो आप 3GS के अंदर लोड नहीं कर पा रहे, तो आप उसको किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के लिए भी ब्लेंडर या और टूल्स का भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी लोड कर सकते हो। अब बात आती है लोड करना कैसे है। तो देखो, हर एक फॉर्मेट को लोड करने के लिए, हर एक 3D मॉडल के फॉर्मेट को लोड करने के लिए हमारे पास 3GS में अलग अलग क्लासेस अवेलेबल है। तो हम पहले तो क्लासेस को इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट कैसे करना है, 3/examples/jsm/loaders। अब इस लोडर्स के अंदर आप देखोगे 3DM लोडर, यानी कि ये 3DM फाइल को लोड करेगा, 3MF यानी ये 3MF फाइल को लोड करेगा। तो जितनी भी हमारे पास फाइल्स होंगी, जिस भी टाइप की फाइल्स होंगी, यहाँ पे उन सब के लिए लोडर अवेलेबल है। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉन्ट लोडर भी है, यानी कि अगर आपको कोई फॉन्ट को लोड करना है सिस्टम में वो भी कर सकते हो। उसी तरह हमारे पास GLTF का लोडर भी है। मैंने आपको बताया था GLTF और GLB सिमिलर चलेंगे, तो ये जो GLTF लोडर है इसका यूज़ करके आप GLB मॉडल को भी लोड कर पाओगे और GLTF को भी लोड कर पाओगे। इस तरह काफ़ी कुछ है हमारे पास, यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। हर एक को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट एक जनरल प्रैक्टिस मैं आपको बता दूंगा कि उस पर्टिकुलर मॉडल के साथ या लोडर के साथ काम कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने GLTF लोडर की। ठीक है जी, हम इसको इंक्लूड करेंगे सबसे पहले, इसी से हम शुरुआत करते हैं। GLTF लोडर हम अपने सेटअप के अंदर यहाँ पे कोड लिख देते हैं मॉडल को लोड करने का, बिकॉज सेटअप के अंदर हम वही चीज़ें लिखते हैं जो कि हमें इनिशियल टाइम पे करनी होती है, यानी लोडिंग का जितना भी काम होता है, क्रिएशन का जितना भी काम होता है वो करना होता है। तो मैं लिखता हूँ this.GLTF loader = new GLTF loader। ये तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कैसे करना है, this.GLTF loader.load। अब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, स्ट्रिंग कहाँ की, मतलब पाथ देना पड़ेगा आपको। तो जो हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है कि पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जो भी पड़ा है आप डायरेक्ट उसका नाम यहाँ लिख दोगे तो वो उसका पाथ हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैंने काफ़ी सारे मॉडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। सबसे पहले हम ये बी वाला मॉडल लोड करके देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास, ठीक है। तो इसका नाम है b.glb, इतना आपने लिखा, अभी ये लोड नहीं हुआ। आपको यहाँ पे एक कॉल बैक पास करना पड़ेगा, फंक्शन। अभी जो फंक्शन आपने यहाँ पे दिया है इसके अंदर यहाँ पे कुछ आएगा। अब मैंने कुछ आएगा क्यों बोला है, क्योंकि देखो जितने भी लोडर्स हैं हमारे पास हर कोई कुछ अलग वैल्यू आपको देगा, ऐसा नहीं कि हर एक के अंदर आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी, हर लोडर टू लोडर वो चेंज होती रहेगी। तो पहले एक जर्नल में आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे काम करना है इनके साथ। मुझे तो पता है यहाँ पे क्या पास होगा लेकिन आपको शायद इनिशियली नहीं पता लगेगा, तो मैं आपको एक जर्नल तरीका बता रहा हूँ कि पता कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ लिख दो OBJ, यानी हमने लिख दिया कि कुछ जर्नल सा ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। अब हम करेंगे कॉन्सोल डॉट लॉग OBJ। अब देखो कुछ यहाँ पे एरर आ रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है। कैन नॉट लोड टेक्सचर, अच्छा यानी कि आई बिलीव ये ना मेरे इस मॉडल के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम, पर चेक कर लेते हैं। ये हमारा बी का मॉडल है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम। हाँ ये देखो कैन नॉट लोड 3D मॉडल, तो यहाँ तो मैं इसको लोड नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मॉडल यही वाला है और मैंने यहीं से इसको एक्सपोर्ट किया था, सेव एज दिखा तो रहा है, बट स्टिल कोई बात नहीं। हम दूसरे मॉडल्स को लोड कर लेते हैं, जैसे इस वाले को हम डिलीट ही कर देते हैं यहाँ से, कन्फ्यूजन आ रहे। ओके तो हमारे पास और भी मॉडल, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ये हर्ट वाला मॉडल। इस मॉडल को हम लोड करेंगे तो बी की जगह मैं लिख देता हूँ हर्ट। ये देखो यहाँ पे हमारे पास अब कंसोल लॉग में आ गया है लोडिंग का। लोड होने के बाद यहाँ पे हमने जो भी किया है, क्या चीज़ है ये सीन है, ये देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सीन ग्रुप सीन्स एरे एनिमेशंस कैमराज व्हाटएवर जो भी इसने दिया है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब सीन क्या होता है, सीन के अंदर तो सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट डालने होते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें वही तो चाहिए, ऑब्जेक्ट्स ही तो चाहिए अपने जितने भी इस मॉडल के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं वही तो चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, या तो कोई 3D मॉडल हो सकता है, कोई लाइट हो सकती है, कैमरा हो सकता है, जितने भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ें हैं वही तो हमें चाहिए सारी, ठीक है। तो OBJ डॉट सीन हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ क्या मिल रहा है, देखो ग्रुप मिल रहा है। ग्रुप बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कलेक्शन को ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप के अगर आप चिल्ड्रन में जाओगे, मैं इसका यहाँ पे ट्राई करता हूँ फॉन्ट साइज बड़ा करने की, ये देखो क्या, ठीक है। तो इसके चिल्ड्रन में आप जाओगे आपको यहाँ मिल जाएगा, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं उस एक ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा है। अब इसको अपने सीन के अंदर ऐड कैसे करना है वो आपको पता ही है, दिस डॉट सीन डॉट ऐड OBJ डॉट सीन। ओके अब यहाँ पे कुछ एरर आया वो भी देख लेते हैं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, यहाँ पे अभी अनडिफाइंड बोल रहा है इस चीज़ को, अनडिफाइंड किस चीज़ के लिए बोल रहा है इसको मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। दिस डॉट सीन, क्या सीन नाम की कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक लिखा, मैंने सब कुछ सही है, ये मेरी ये वाली लाइन एकदम ठीक है, बट यहाँ पे दिक्कत ही आई है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन का यूज़ किया है, इस वजह से इसने दिस को गलत बोल दिया। तो यहाँ पे आपने नॉर्मल फंक्शन नहीं यूज़ करना, आपने एरो फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ पे एरो फंक्शन आप करोगे आपका वो एरर चला जाएगा। अब क्या यहाँ कुछ लोड हुआ है, दिख तो नहीं रहा अभी, ठीक है, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, दिख नहीं रहा, जूम करके देखते हैं। हाँ जूम करने पे कुछ आया है, दूर से नहीं दिख रहा था बट जूम किया तो कुछ दिख तो रहा है मुझे। एक काम करते हैं लाइट को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं यहाँ से, ये देखो अभी आपको दिखाई दिया, यहाँ पे ये हार्ट है। अब ये हार्ट किस चीज़ के लिए बनाया गया था, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे कुछ डायमंड्स के साथ काम करना था, तो ये हार्ट बेसिकली एक डायमंड की तरह यूज़ होना था एक जगह पे, ठीक है। तो उस काम के लिए हार्ट बनाया गया था, इस हार्ट के साथ एक डायमंड और भी था हमारे पास, ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका मतलब डायमंड ही है आई बिलीव, क्योंकि वो जर्मनी का प्रोजेक्ट था, इस वजह से लाइट को ऊपर उठाते हैं, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लोड हो गया, सिंपल ही था, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल मुझे लगता नहीं आपको आनी चाहिए। और भी मॉडल्स हम देख लेते हैं हमारे पास जो है, एक ये रूम का,
ठीक है, एक पूरा का पूरा रूम यहाँ क्रिएट हुआ हुआ है, ये भी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। ठीक है, एक हमारा एक काम करते हैं, अपना ये ग्राउंड प्लेन यहाँ से हटा देते हैं, बिकॉज़ ये ग्राउंड प्लेन कुछ हमें बेनिफिट फ़िलहाल के लिए नहीं दे रहा है, तो इस ग्राउंड प्लेन को मैं हटा देता हूँ। ये लो, ठीक है, पूरा एक रूम का सीन है ये। इसके अंदर भी मैं लाइट को कम ज़्यादा कर सकता हूँ और शेडोज़ क्रिएट होती रहेंगी मेरे पास। ओके, नेक्स्ट हम अपना मॉडल देखते हैं। एक ये लिविंग रूम का मॉडल है, ये देखिए, इसमें भी आप लाइट्स को मूव कर सकते हो, बट ये शेडोज के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो कुछ मॉडल की प्रॉपर्टी हो सकती है, मॉडल के अंदर जो मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या हमारे पास, बाकी हमारे पास FBX के हैं यहाँ पे अब। ठीक है, अभी हमने एक तरीका देखा, अब मान के चलो मैं आपके जैसा हूँ, मुझे नहीं पता FBX लोडर मुझे क्या रिटर्न करने वाला है। ठीक है, तो हम उसको लोड कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, पहले FBX लोडर, ये लोड हो गया। अब GLTF लोडर की जगह हम यहाँ बना लेते हैं FBX लोडर, FBX लोडर इक्वल्स टू न्यू FBX लोडर, FBX लोडर डॉट लोड। बेसिक काम जो होगा वो यहाँ पर भी सेम ही होगा, यहाँ पर बस हमें फाइल का नाम बदलना पड़ेगा। FBX हमारे, चलो ये डिफ़ॉल्ट मेल हम ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले मॉडल को हम लोड करेंगे FBX। तो बेसिक सिंटैक्स इसके अंदर भी सेम ही रहने वाला है। ठीक है, अब हमें लेकिन पता नहीं कि यहाँ पे हमारे पास पास क्या हुआ है। पिछले केस में तो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट पास हो रहा था जिसके अंदर सीन की प्रॉपर्टी हमें मिल गई थी। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें पास हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। इसके अंदर हमें डायरेक्ट ग्रुप मिल रहा है। पिछले केस में हमने ग्रुप निकाला था उसमें, अपने ऑब्जेक्ट में से सीन निकाला था अपने ऑब्जेक्ट में से। ठीक है, इसमें इस बार हमें डायरेक्ट ही ग्रुप मिल गया। अब उस ग्रुप के अंदर भी आप देखोगे यहाँ पे आपको एक तो पर्सपेक्टिव कैमरा मिल रहा है, उसके बाद कुछ ऑर्थोग्राफिक कैमराज हैं, एक ग्रुप और भी है, उसके बाद फिर से एक ऑर्थोग्राफिक कैमरा, इसमें कैमरा काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद एक ग्रुप और है और एक स्किन मैश है। तो कैमराज तो हमें लोड नहीं करने हैं। उसके अलावा या तो इस ग्रुप के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी हमें ज़रूरत हो, तो वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए इसमें से। सबसे पहले काम करते हैं डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट, इस ग्रुप को ही ऐड कर देते हैं अपने सीन में, उसके बाद आगे का काम देखेंगे। अगर हमारा काम बन जाता है फिर तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमें और ज़्यादा डीबगिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। सीन डॉट ऐड OBJ, कुछ आया तो है, कुछ आया है, लेट्स सी। थोड़ा हमें लाइट को यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ये देखो लाइट की इंटेंसिटी तो ज़्यादा ही है, एम्बियंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाकर देखते हैं। ओके, एम्बियंट लाइट का तो इस पर कुछ असर पड़ ही नहीं रहा है। काफ़ी अंधेरे में है ये ऑब्जेक्ट, या तो ये ऑब्जेक्ट ही ब्लैक कलर का है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट सी सीन डॉट बैकग्राउंड। ओके, इस बार थोड़ा ये ठीक बन गया। तो लाइट से ये बहुत ज़्यादा, एक एक्चुअली लाइट से रिएक्ट तो कर रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट ही ब्लैक कलर का बनाया हुआ है इन्होंने, तो इस वजह से ये हमें ऐसा दिख रहा है। अब देखते हैं और क्या चीज़ें हैं हमारे पास। नेक्स्ट FBX मॉडल है हमारे पास ये, और अगर आपको लग रहा हो कि मैंने कहाँ से लिया है, ये यूनिटी की एक गेम के ऊपर काम चल रहा था, ये वहाँ के मॉडल्स हैं। ये वाला भी सेम ही है, अब ये सेम नहीं है। इस मॉडल के अंदर एक खास बात है, ठीक है,
इसमें आप जाओगे एनिमेशन में, देखोगे इसकी एनिमेशन में, इसके दो चीज़ें, एनिमेशन क्लिप एंड एनिमेशन क्लिप। एनिमेशन के बारे में वैसे हमने अभी तक बात नहीं करी है, ठीक, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रख देते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हो जाएगा, तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि इनमें एनिमेशंस में क्या है, कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है। आज हमारा काम हो गया लोडिंग का, कि लोड कैसे करना है, ठीक है। अभी हमने दो तरह की चीज़ों की लोडिंग देखी, GLTF और FBX। आप कोई भी लोड करो, जनरल स्ट्रक्चर यही रहेगा, पहले आपने लोडर का ऑब्जेक्ट बनाना है, लोडर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने उसके ऊपर फंक्शन कॉल करना है लोड, ये सभी लोडर में सेम ही है जनरली, ठीक है। लोड का किया, उसके बाद पहले पैरामीटर में तो पाथ दे दिया, सेकंड पैरामीटर में एक आपने कॉल बैक देना है। कॉल बैक के अंदर आपको पहले तो, अगर आपको पता है कि ये क्या रिटर्न करने वाला है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ करो। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही है कि ये क्या रिटर्न करेगा, तो आपको पहले तो उसको कंसोल लॉग कर लेना, उसमें से उठा लेना, फिर अगर ग्रुप दे रहा है डायरेक्ट, फिर तो आप डायरेक्ट ही इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर ग्रुप नहीं दे रहा, जैसे हमारा GLTF वाला था, एक बार उस पर भी वापस आ जाते हैं, एक बार दोबारा से चेक, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, अपने GLTF वाले पे वापस आते हैं, ठीक है। अब जैसे ये था, इसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं करा, ऑब्जेक्ट डॉट सीन को ऐड किया है। अगर मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐड किया होता, फिर क्या होता, देखो लोड ही नहीं हुआ, ऊपर से एरर और आ गया, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एन इंस्टेंट ऑफ थ्री डॉट ऑब्जेक्ट 3D, ठीक है। तो हर एक लोडर के लिए ये चीज़ थोड़ा अलग बिहेव कर सकती है, इस वजह से मैंने बोला था कि पहले आप कंसोल लॉग करा लेना, कन्फर्म कर लेना अच्छे से कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे ही काम करेगी, उसके बाद लोडिंग करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। कंसोल लॉक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, डीबगिंग हो जाएगी अच्छे से। अब इस वाली के अंदर तो फिलहाल खैर कोई एनिमेशन नहीं है, बट GLB के अंदर भी आप एनिमेशन डाल सकते हो, FBX के अंदर भी आप एनिमेशन डाल सकते हो। GLB जो है वो ओपन फॉर्मेट है, फ्रीली उसको यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी कोई सवाल नहीं उठाएगा, और सारी की सारी इसमें कैपेबिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। इस वजह से मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं GLB यूज़ करूँ, कोई भी मुझसे पूछता है तो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर एनिमेशंस को किस तरह से चलाना है एनिमेशन, क्योंकि अभी आप देखोगे एनिमेशन हमारी चल नहीं रही थी जब हमने पीछे एनिमेशन वाला लोड किया था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देख लेंगे, ठीक। और अगर आपको ये मॉडल्स चाहिए, ठीक है, ये वाले मॉडल्स नहीं, मतलब जनरली कहीं पर भी आपको मॉडल चाहिए, तो हमारे पास एक वेबसाइट है, स्केच फैब। इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, पेड मॉडल्स भी हैं और फ्री मॉडल्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लेट्स से ये कुछ क्रिएटर के मॉडल्स हैं, ये देखो, अगर आपको ये मॉडल चाहिए तो आपको ये मॉडल भी मिल जाएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउनलोड का बटन होगा, अगर ये मॉडल फ्री हुआ तो, बिकॉज़ हर एक मॉडल डाउनलोडेबल नहीं होता, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से आप कर सकते हो, इसके अलावा भी और सारे, आप गूगल पर सर्च करोगे आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक। तो आप अभी इतने की प्रैक्टिस करो, मॉडल वगैरह लोड करके देखो अलग अलग टाइप्स के, ठीक, इतना आपका हो जाएगा, उसके बाद हम फिर एनिमेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।